तो सेट हमारा वाइब्रेट किया है और आप देख सकते हैं कि वीवो 5G लिखकर आ गया। तो देखिए कि एक 5G हैंडसेट को इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके सामने लाइव हुआ है, तो हमने आपके सामने लाइव दिखाया है कि वीवो 5G हैंडसेट को किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से 5G किसी भी हैंडसेट को आप रिपेयर कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारे पास हैंडसेट है जो कि वीवो का Y28e है जो कि सेट डेड है, ठीक है। ये आपका एक 5G हैंडसेट है जो कि मीडियाटेक सीपीयू बेस्ड है। आप देख सकते हैं कि इसका जो सीपीयू है वो मीडियाटेक है और यहाँ पर आप उसका नंबर भी देख सकते हैं। ये सेट आपका ड्रॉप डाउन है, सेट आपका फेंक के मारा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो ये जाली है वो भी आपका बेंड हो गया है, तो यहाँ का जाली हमने यहाँ पर नहीं निकाला है। इसके अदरवाइज जो इसका पावर आईसी वाला जाली था वो हमने निकाल दिया है, क्योंकि पावर आईसी वाला जाली देख सकते हैं उसे निकाला जरूरी था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही दबा हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे जो इसकी पावर आईसी का नंबर है वो आपका है MT6377 और इसमें एक सब आईसी लगा हुआ है जो कि आपका है MT6319NP। तो ये भी एक टाइप के वक्त वोल्टेज जनरेट करता है जो कि सीपीयू के लिए ये वोल्टेज भी बनाता है, ठीक है। पावर आईसी इसमें आप कह सकते हैं कि ये सब पावर आईसी है और आपका एक मेन पावर आईसी है। इसके अंदर आपकी दो पावर आईसी दिया गया है। इसके साइड में जो एक आईसी है जो कि आपको बीक्यू जैसा आपको दिख रहा है, क्योंकि बीक्यू में आपकी छः छः पिन सब जगह से होती हैं। तो ये भी एक टाइप का आपका चार्जिंग आईसी है। 5 का डेड है, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये इस तरह से के मारा गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इस तरह से बेंड है। तो ये सेट में चेक करेंगे कि प्रॉब्लम आपका कहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम अपना बैटरी के जैक से। तो सबसे पहले इसका रीडिंग लेते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि एक्चुअल इसका रीडिंग सही है कि नहीं। तो अगर बैटरी की बात करें तो ये इसका बैटरी है और बैटरी में पत्ता में देख लेते हैं हम लोग। बैटरी के बाद में दिखाया गया है कि इसमें आपका एक प्लस पॉइंट है और इसमें 3 NC है, 1 2 3, 3 NC एक आईडी का लाइन। अब हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका बी बेट क्या का रीडिंग। आप देख सकते हैं कि 500 प्लस आपको रीडिंग मिल रहा है जो कि सही रीडिंग है। एक बार मीटर को प्रॉप चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाकी, हम ये भी चेक कर लेते हैं। ये आपका एनसी होगा, ये भी एनसी है, ये भी आपका एनसी है और आपका ये लाइन आईडी का है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग हमको आ रहा है जो कि आपका 1700 है, मतलब कि आप समझ सकते हैं ये लाइन भी क्लियर है आपका। और ये जो लाइन है वो भी आपका यहाँ पर एनसी है और ये जो पॉइंट आपका है वो ग्राउंड है। ये पॉइंट आपका ग्राउंड है और हम एक बार मीटर को प्रॉप चेंज करके देखते हैं। तो देखिए मीटर की प्रॉप हमने चेंज किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो रीडिंग है वो ओके रीडिंग है, मतलब कि आपका 1000 प्लस आता है तो 1000 प्लस रीडिंग हमको मिल रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारे फोन के अंदर यहाँ से तो हमको कोई भी शॉर्टिंग वगैरह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि डिश मशीन लगाकर डिश मशीन में आपका क्या करंट कंडीशन होता है आपका। लगाएंगे यहाँ पर अपना ये प्रॉप, प्रॉप लगा दिया है और देखो यहाँ पर आपका ऑटो करंट कंडीशन आपका नहीं है। एक बार हम पावर बटन दबाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो पावर बटन है उसमें क्या कंडीशन होता है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके यहाँ पर आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर इसका ये पावर बटन है, तो हम इसके हिसाब से देख लेते हैं। ऊपर नीचे देखो ये आपका यहाँ इस साइड आपके यहाँ पर आपकी पावर की है, तो हम लोग एक बार लगाते हैं इसे। ये हमने लगा दिया है, ठीक है। अब हम इसे ऐसे दबा लेते हैं और यहाँ पर आपकी पावर की और प्रेस करते हैं और यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पर आपका कोई भी करंट कंजेंशन नहीं है, जबकि हम ये चारों लगा देते हैं एक साइड। देखिए यहाँ पर आपका 1 2 ओनली। ओनली आपका ये 0.1 लेके 0.0 हो गया।
अभी इस बोर्ड में हमने देखा तो इस बोर्ड ने ओनली आपका, यहाँ पर हमने लगाया तो इसने ओनली आपका 0.1 लिया है। 0.1 लेने के बाद आपका 0.0 हो गया, ठीक है। अभी आपका डीसी मशीन में ब्लर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस साइड थोड़ा सा डार्कनेस है, इसीलिए कैमरा हमारा सही से ब्लर सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा 0.1 लिया है, इससे ज़्यादा इसने लिया ही नहीं है। तो इसका मतलब है 0.1 का मतलब होता है 5G हैंडसेट में, क्योंकि इसमें जो आईसी लगी होती है, इससे पहले बीबेट की लाइन जब यहाँ तक पहुँचती है तो इसके पीछे मॉसफेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे फोन में 0.1 का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपका शॉर्टिंग होना या आपका सीपीयू से प्रॉब्लम आना, तो दो कंडीशन से हमारे फोन में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर शॉर्टिंग हमारे फोन में अगर नहीं होता है तो हम आगे फिर तो आप लोग जानते हैं कि हम आगे काम करेंगे अपने सीपीयू पर। तो यहां पर हमने मीटर सेट कर दिया अपना, एक बार मीटर सेट कर लेते हैं। तो मीटर हमारा सेट है, अब हमको पावर आईसी के आसपास सभी लाइन को चेक करेंगे और जो हमारा विविच पावर है और जो हमारा बनता चार्जिंग आईसी से उसे चेक करेंगे। तो देखो हमने इतने यहाँ पर लगाने पर हमारा 0.1 लिया था, तो रीडिंग तो यहाँ का ओके है। तो मतलब है कि इसका मतलब है कि इस फोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग से मसला है, इसीलिए ऐसा समस्या 0.1 ले रहा है। ऐसा हो सकता है कि गिरने के बाद इसका सीपीयू एमएमसी लूज हो गया हो, क्योंकि पेस्टेड भी है और आपका यहाँ पर जाली हमारा टेढ़ा भी था और ये भी जाली बहुत ज़्यादा टेढ़ा था, इसलिए हमने इसे निकाल दिया है। तो फिर भी हम एक बार इसके पावर आईसी के वर्क कॉल चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ का रीडिंग आपका ओके आ रहा है, इसके बाद चेक करेंगे ये रीडिंग भी आपको ओके है और ये रीडिंग ओके आपका है। देखो यहाँ भी 300+ रीडिंग है, मतलब कि ये भी ओके माने जाएंगे और ये देखेंगे ये भी आपका ओके है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये भी आपका लाइन लगभग ओके है और ये जो लास्ट है इसका ये साइट आपका है यहाँ पर, तो ये भी ओके है और एक कॉइल हमारा यहाँ बसता है, इसका आउटपुट इस साइट है, तो यहाँ भी ओके। मतलब कि इस आईसी के पास जितने भी कॉइल लगे हैं, जो कि हमारी पावर आईसी है MT6377W, जिसके पास जितने भी कॉइल है उनका रीडिंग ओके मिल रहा है। तो हम एक बार चेक करेंगे BPH कॉइल, ठीक है। यहाँ पर भी एक, ये भी एक सब आईसी, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी रेटिंग 400 आपका है, ये भी 400 है और आपका ये भी ओके है, ठीक है। मतलब कि यहाँ भी लगभग क्लियर है कि पावर आईसी और सब आईसी के बाद जितने भी लाइन्स हैं उन लाइन में कोई भी शॉर्टिंग वगैरह आपका नहीं है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ये हमारा एक, ये भी हमारा एक चार्जिंग आईसी है जो कि BQ टाइप है और अब यह भी चेक कर लेंगे। तो ये इसका BPH कॉइल है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस सेट का डायग्राम नहीं है, आप अगर डायग्राम सर्च करेंगे तो वोनियो में इसका डायग्राम नहीं है, जो कि वीवो आपका Y28E है, इसका डायग्राम नहीं है, तो हमको बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग पहले 5G मॉडल को रेडी करते हैं, रीड करते हैं कि उनमें कितने टाइप की आईसी अभी नई आ रही है बाजार में और कैसे कैसे उनका आउटपुट होता है। तो जिसमें आपकी आईसी लगी है उसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ कॉइल आपको देखने को मिलेंगे में ये आईसी लगी हुई है। जिसमें ये आईसी लगी हुई है, ये वाले जो आपकी सब पावर है, तो इसमें आपके 4 कॉइल मिलेंगे आपको। तो मतलब इसका मतलब इसके इस आईसी के 4 आउटपुट वोल्टेज हैं। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं BPH कॉइल का रीडिंग। तो ये BPH कॉइल का रीडिंग हम यहाँ चेक करेंगे, इस साइड चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो BPH पावर इसकी लाइन है वो मेन लाइन शॉर्ट है इसकी। देखो 0.001 आ रहा है मीटर में, मतलब कि बीप आ रहा है। एक बार हम बीप पे लगा के देख लेते हैं इसे। अभी मीटर में बीप है हमारा और यहां देखेंगे अभी हमारा बीप आता है कि नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पर बीप मिल रहा है, मतलब कि इसका मेन लाइन आपका शॉर्ट है, जो कि हमारा BPH पावर इसका लाइन शॉर्ट है। तो आपने देखा कि इसमें लीकेज है कि नहीं। तो यहाँ पर 0.1 लिया था, तो हम लोग तो जानते हैं हम लोग कैसे चेक करते हैं, बीवेट, दूसरा BPH पावर, तीसरा बक और चौथा LDO। देखो मॉडल चाहे कोई भी हो, काम करने का तरीका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन शॉर्ट है, तो इस लाइन की शॉर्टिंग हटाएंगे। शॉर्टिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मेन कॉइल होता है BPH पावर का उसे निकालेंगे।
इसके पीछे सीपीयू है, तो आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही सावधानी से काम करना होगा, नहीं तो सीपीयू आपका ड्राई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिल्कुल सीपीयू इसके जस्ट पीछे ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम कम से कम हीट लेंगे और हम इसको निकालेंगे। तो हमारा जो SMD है वो आपका 857 DW प्लस है, और यहाँ पर जो हीट लिया है वो हमने लिया है आपका 350, जिसमें हमारा आराम से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये कॉइल निकाल लिया अपना, ठीक है। हम देखेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड है, इस साइड है कि उस साइड है, क्योंकि हमारा मेन लाइन शॉर्ट है। अब डायरेक्ट अगर आप इसमें वोल्टेज देते शॉर्टिंग फिर भी नहीं पता लगता, क्योंकि ये आपकी कॉइल सीरीज में सी लिए, तो हमने यहाँ उठा लिया और हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमको बीप मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमको बीप नहीं मिल रहा, मतलब कि इसका मतलब यहाँ पर रीडिंग हमारा आ गया। एक बार देखते हैं, तो देखिए आपका ये रहा, यहाँ पर रीडिंग आ गया हमारा, और ये लाइन हमारी शॉर्ट है। अब देखो ये लाइन हमारी जैसे जहां भी जा सकती है, जैसे ये लाइन हमारी मेन लाइन इसकी शॉर्ट है, फुल ये फुल मेन लाइन है इसकी शॉर्ट है, तो ये लाइन आपकी देख सकते हैं, ये लाइन आप और कहाँ गया है, तो ये हमारा सब पावर है, इसके पास भी लाइन आया होगा, देख सकते हैं कि इसके पास भी, देखो ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट है आपकी, मतलब कि ये आपकी मेन लाइन है ब्यूज पावर की। ऐसा हमने इसलिए चेक किया क्योंकि इसका डायग्राम है नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि ये चार्जिंग की स्विचिंग लाइन हो, तो इसीलिए हमने इसको चेक किया। हम कंफर्म हो गए कि इसकी मेन लाइन शॉर्ट है, जिसे हम ब्यूज पावर कहते हैं। अब हमको क्लियर हो गया, अब हम इसकी शॉर्टिंग हटाएंगे। शॉर्टिंग हटाने के लिए हम लोग सीधा वही वोल्टेज देंगे, यहाँ पर आपका 4 वोल्टेज और अपना आपका 5 एम्पियर, क्योंकि ये जो शॉर्ट ये जो सेट है आपका, ये आपका तो यहां पर हमने सेट कर लिया डीसी मशीन में आपका 4 वोल्टेज और 5 एम्पीयर, ये आपका है डीसी मशीन, ठीक है। अब आप डीसी मशीन का ब्लैक टॉप ग्राउंड कर देंगे और रेड से आप यहां लगाएंगे, देखते हैं कहां पर गर्म हो रहा है। देखो हमने यहां पर लगाया है और देखते हैं कि कहीं पर गर्म हुआ है कि नहीं। देखो कुछ हमको हीटिंग इस साइड महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहला थोड़ा बड़ो पूरा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि तो अभी हमने हीट किया था, तो शायद उसकी वजह से हमको मालूम नहीं पड़ पा रहा है शॉर्टिंग किस साइड हो सकती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो यहाँ पर पूरे बड़ो ठंडा होने देते हैं, ठीक है, पूरे बड़ो ठंडा होने देते हैं अभी। तो मान लीजिए कि अभी हमारा पूरा बोर्ड ठंडा हो गया है, अब हम यहाँ पर फिर दोबारा से वोल्टेज देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ये कर दिया अपना ब्लैक टॉप ग्राउंड कर दिया, और हम रेड से वोल्टेज देंगे यहाँ पर, देखते हैं कि अब किस साइड हीट हो रहा है, क्योंकि पहले हमने हीट और अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसे हीट किया है और हमको हल्का सा इस साइड महसूस हुआ है, हीटिंग हमको इस साइड महसूस हुआ है, मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं इस साइड कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए या तो आप रोजन लगा लो, रोजन नहीं है तो आप ये पेस्ट है इसका यूज कर सकते हैं, हम पेस्ट लगाएंगे। देखो हमको कुछ इस एरिया में हीटिंग महसूस हो रहा है, तो हमने इस एरिया में पेस्ट लगा लिया है, और देखेंगे अभी एक्चुअल हमारा जो शॉर्टिंग है वो किस साइड निकलता है। थोड़ा गर्म हुआ था, हम सेम वोल्टेज अप्लाई करेंगे आपका 4 वोल्टेज 5 एम्पियर। अब देखिए रेड पर ग्राउंड कर दिया, ठीक है, हमको इस साइड हीट हो रहा था, रेड पर ग्राउंड कर दिया, और अब देखिए देखते हैं कि यहाँ पर पूरे पे फैला लेते हैं जितने कंपोनेंट हमारे हैं, हमको यहीं पे ग्राउंड हीट मिल रहा था, एक बार लगाएंगे। देखो 1 2 और आपका
देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो धुआं देने लगा आपका कंपोनेंट, हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है। देखिए एक बार थोड़ा सा पेस्ट में लगा देता हूँ और आपको दिखाने के लिए, देखिए अब हम फिर से वोल्टेज देंगे, देखो मेल्ट हो गया, मतलब कि हमारा ये जो कैपेसिटर है वही शॉर्ट है आपका। तो हम एक बार इसे निकालते हैं और देखेंगे फिर कंडीशन क्या है, ठीक है। बाकी आप एसएमडी से निकाल सकते हैं, इसे तो तोड़ भी सकते हैं, फिलहाल हम इसे तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने इसे तोड़ दिया है और हम चेक करेंगे कि एक्चुअली ये वास्तविक शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो मीटर आपके सामने है और देखते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं आपका। अभी देखिए मीटर आपको दिख रहा है, ये फुल शॉर्ट आपका, फुल शॉर्ट हो गया है, देखो ये आपका फुल शॉर्ट हो गया, मतलब कि हमारा ये कैपेसिटर था, ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट निकला है। और हम देखते हैं कि इस कैपेसिटर के बाद जो हमें शॉर्टिंग इस पॉइंट पे मिल रहा था वो अभी भी शॉर्टिंग है कि नहीं, तो हम फिर से चेक करेंगे। अब रीडिंग देखते हैं, यहाँ पर रीडिंग देखो, रीडिंग आ गया आपका जो पहले बीप आ रहा था। यहाँ भी देखेंगे ये तो कैपेसिटर पे हमको मिल रहा था, देखो यहाँ भी ये भी ओके है, मतलब ये तो साइड ग्राउंड है आपका, इस साइड हमको प्लस आना चाहिए। देखो रीडिंग आ गया, मतलब कि हमारा ये सप्लाई था वो क्लियर हो चुका है। अब एक बार हम कॉइल लगा के फिर चेक करते हैं कि सेट अब हमारा चालू होता है कि नहीं। दोस्तों अगर आपका सेट चाहे 4G हो चाहे 5G हो, काम करने का तरीका सेम होगा। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप किसी भी सेट को बना सकते हैं। आप लोग क्या है 5G हैंडसेट को देखने के बाद आप घबरा जाते हैं कि करना क्या होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा IC होती है तो आप समझ नहीं पाते कि काम क्या करना है। सबका प्रोसेस सेम होता है, कंपनी हल्का सा चेंज करता है, ओनली हल्का सा कंपनी चेंजिंग करती है। इसीलिए अगर आपको नॉलेज पूरा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा लगा लिया है इससे कि मैं अपनी कॉइल को लगा सकूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर हीट लेंगे सेम और कॉइल को लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कॉइल थी वो लग गई है और हम एक बार बोर्ड को साफ कर लेंगे क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा गर्म भी है। एक बार शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे, एक बार अभी शॉर्टिंग है कि नहीं तो यही चेक कर लें डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए रीडिंग आ गया है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है हमारा। अब हम देखेंगे कि सेट हमारा चालू होता है कि नहीं। हमारे फोन में वोल्टेज कितना था वो भी देख लेंगे एक बार। तो मीटर सेट करेंगे वोल्टेज पे, वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर वोल्टेज कितना है हमारा। देखिए वोल्टेज पूरा है आपका, 4.3 बैटरी चार्ज है, बैटरी फुल चार्ज है आपका। तो हम चेक करते हैं कि सेट अगर अब हमारा चालू होता है कि नहीं। बाकी हमने शॉर्टिंग वगैरह इसका हटा दिया है। तो देखा आपने कि आप भी इस तरह से अगर समझ के काम करेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। 5G 4G कोई भी हैंडसेट हो तरीका सेम होता है, ठीक है। अगर आपको डीसी मशीन का रीडिंग प्रॉपर है तो आपका साथ कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो सेट हमारा वाइब्रेट किया है और आप देख सकते हैं कि वीवो 5G लिखकर आ गया। तो देखिए कि एक 5G हैंडसेट को इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके सामने लाइव हुआ है, तो हमने आपके सामने लाइव दिखाया है कि वीवो 5G हैंडसेट को किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से 5G किसी भी हैंडसेट को आप रिपेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।